हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक हाफ जैकेट का पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर है और इजी भी काफ़ी है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे पहले आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखिए, जो हम जैकेट बनाएंगे, हम नीचे से बनाएंगे तो आपको क्या करना है, पूरा बॉडी का राउंड लेना है। इस तरीके से पूरा बॉडी का राउंड लेना है और उस हिसाब से आपको उतनी लंबी चैन बना लेनी है। अब चैन हम जो बनाएंगे वो हमारी होंगी 10 × 1। ठीक है, तो चलिए ये मैंने बना रखी है, ये 41 चैन है। मैं आपको सिर्फ यहाँ तो आपको पैटर्न सिखा रही हूँ, आगे मैं आपको बता रही हूँ। अभी देखिए 41 चैन बनाई हुई हैं। चैन थ्री बनाएंगे, 1, 2, 3 चैन बनाएंगे। यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वाले में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाना है, तो लास्ट तक बना लेंगे। कि हमने ये फर्स्ट रो बना लिया, अब हमें क्या करना है, चैन थ्री बनाएंगे, 1, 2, 3। इसको इस तरफ पलटेंगे, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, ये 2 और ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। अब यहाँ से हम 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1, 2 और थर्ड वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। चैन 2 बनाएंगे, 1, 2 और वापस इसी में 1 डबल क्रोशिया बना लें। तो ये देखिए, ये तो हमारे शुरू में हमने 2 स्टिचेस छोड़े हैं, लेकिन आगे जब हम पैटर्न बनाएंगे तो 4 स्टिचेस छोड़ेंगे और फिफ्थ वाले में इस तरीके का पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ से काउंट करें, 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वाले में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। चैन 2, 1, 2 फिर 1 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 4 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 फिफ्थ वाले में 3 डबल क्रोशिया और चैन 2 और फिर 1 डबल क्रोशिया, सेम उस स्टिच में हमें बनाना है। तो मैं लास्टिक बना लेती हूँ उधर और फिर आपको बताती हूँ कि उस तरफ हमारा पैटर्न किस तरीके से आएगा। क्योंकि हम ये जैकेट बना रहे हैं तो ये हमारा फ्रंट का पैटर्न है या फ्रंट है दोनों तरफ से। तो पहले मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको लास्ट में बताऊँगी। देखिए, मैंने यहाँ तक बना लिया, हमारे पास स्टिच बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए, यहाँ से हमें 2 स्टिच छोड़ने हैं, 1, 2 और यह थर्ड वाले स्टिच से हमें 3 1 डबल क्रोशिया बनाने, 1, 2 और ये लास्ट हमारी चैन 3 था, उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाना। अब देखिए, अब सेकेंड रो कैसे बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3 यहाँ पे ये 1 डबल क्रोशिया ये हो गया हमारा, 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये हमें दोनों तरफ से बनाने हैं। अब देखिए, ये जो ये चैन 2 का स्पेस है, अब हम इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 चैन 2 बनाएंगे, 1, 2 फिर सेम इसी स्टिच में 1 डबल क्रोशिया और। अब सीधा हम यहाँ बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, चैन 2 और ये 1 डबल क्रोशिया और। तो ये हमारा, ये जो हमारा चैन 2 के स्पेस में ही हमें ये पैटर्न बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया। अब फिर हमें वापस से ये देखिए चैन 3 बनाएंगे, 2, 3 यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हम इस तरफ से जाएंगे तो हम ये, हमें ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें ही ये पैटर्न बनाना है। इस तरफ से आएंगे तो भी हमें ऐसे ही बनाना है। तो जितना आपको इसकी
मुड्डे तक आपको बनाना है कि आपको मुड्डे कहाँ से चाहिए, तो उतनी आपको इसकी ऊंचाई रखनी है। तो ये देखिए मैंने बना लिया है, पहले से मैंने बना के रखा हुआ था। तो ये देखिए ये आगे के दोनों पार्ट और वो हमारा पीछे का पार्ट हो गया। इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये मैंने ऊंचाई इसकी जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने कर ली है, हम आगे बनाएंगे। तो ये देखिए ये पैटर्न बनाने के बाद हमें एक रो बनानी है जिसमें हमें हर एक स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम चैन थ्री बनाएंगे, थ्री सब पलटेंगे। ये देखिए यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया, इसमें वन वन डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये जो चैन टू है इसमें हमें टू डबल क्रोशिया बनाने हैं, वन और ये टू। और जो ये थ्री डबल क्रोशिया है इसमें वन वन डबल क्रोशिया बनाना है, तीनों में एक एक, वन टू और ये थ्री। चैन टू के स्पेस में टू डबल क्रोशिया और वन वन डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारी एक रो हर एक स्टिच में डबल क्रोशिया किया जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वाली रो बना ली है। और अब मैंने क्या किया, देखिए इसको इस तरीके से रखा है। एक जो ये मैंने पैटर्न किससे काउंट किया है, ये देखिए यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये मैंने मुड्डे की तरफ के लिए रखा है। तो एक मैंने इस तरफ रखा है और एक इस तरफ पैटर्न रखा है, मतलब एक रो इस ये वाली इस तरफ और एक रो इस तरफ, दोनों तरफ मैंने निशान लगाए हैं और ऐसे ही इस तरफ रखा है। तो मैंने जब इसको बनाया था तो मैंने इसमें 151 स्टिचेस लिए थे। तो मेरे सिक्स सिक्स तो इस तरफ आ रहे हैं, दो मेरे इस तरफ, दो इस तरफ गए हैं और 13 पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो ये हम अब मुड्डे बनाएंगे और पीछे वाला हिस्सा बनाएंगे। तो मैंने ये दोनों तरफ इसको देखिए धागा बांध रखा है, निशान लगा लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये खत्म हुई है फर्स्ट रो, ये वाली रो हमने बनाई थी जो हर एक स्टिच में। अब हम यहाँ से गले का शेप देना शुरू करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो आपको जहाँ से देखिए अब ये गला बनेगा वहाँ पे आपको फंदे घटाने हैं, यहाँ पे आपको लास्ट तक बनाना है, यहाँ रेड निशान तक, और फिर वापस आना है। फंदे हमें सिर्फ यहीं घटाने हैं गले की तरफ। तो देखिए फंदे हम किस तरीके से घटाएंगे, ये मेरा यहाँ पे ख़त्म हुआ था, यहाँ पे आ गई मैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है ये देखिए ये वाला ये स्टिच है, इसके बाद वाला ये वाला, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए अब यहाँ से चैन थ्री बनाएंगे और हर एक स्टिच में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट तक, इस तरह यहाँ तक, और फिर वापस यहाँ तक आएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम जब वापस आएंगे तो हमें इस तरफ से कैसे फंदा घटाना है। यहाँ से हमें सिंगल स्टिच लेना है, स्लिप स्टिच बनाना है फर्स्ट चैन में, और फिर उसके बाद वापस आते हैं, बना के वापस दिखाते हैं। तो ये देखिए मैं ये यहाँ से ये फर्स्ट रो बनाई, हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने थ्री चैन्स बनाई हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको इसमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना, इसमें बनाना है, क्योंकि इसका हम इसको काउंट करें। और आपने यहाँ बनाया तो ये आपका फंदा बढ़ जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है ये वाले स्टिच में नहीं बनाना, यहाँ पे बनाना। ये देखिए ये मैं यहाँ से स्टिच बना के वापस आई हूँ। अब ये जो हमारा स्टिच है ये देखिए ये वाला लास्ट वाला, इसमें हमें स्टिच बनाना नहीं है। ये देखिए इसमें बनाएंगे, ये वाला हमें बनाया है हमने, लेकिन चैन थ्री को भी हम एक स्टिच काउंट कर रहे हैं। तो अब ये चैन थ्री जो स्टिच है इसमें हमें स्टिच नहीं बनाना है, फिर हमें इस तरफ पलटना है, फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे, चैन थ्री बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। तो हमें ध्यान रखना है जो चैन थ्री है इसमें हमें आते वक्त यहाँ पे स्टिच नहीं बनाना है, लास्ट में बनाना है। तो ये देखिए ये मैंने ये आगे का हिस्सा बनाया गले का, हमारा शेप कितना अच्छे से आया है। तो यही जितने रो आपने इस तरफ बनाई हैं आपको दूसरी तरफ भी इसी तरीके से बना लेनी है। आपको इस तरफ से फंदे घटाने हैं, तो इस तरीके का ध्यान रखिएगा, जिस हिसाब से फंदे इसमें घटाए हैं सेम उसी हिसाब से इस तरफ से घटेंगे, और आपको कम ज़्यादा नहीं होना, नहीं तो ये शेप अलग अलग हो जाएंगे दोनों के। और अब हमें पीछे क्या करना है, देखिए यहाँ से आप स्टिच बनाना शुरू करेंगे, चैन थ्री बनाएंगे, वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक, फिर चैन थ्री बनाएंगे, फिर वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जितना ऊंचा हमने ये वाला हिस्सा बनाया आगे का उतना ही पीछे का बनेगा, बराबर में बन जाएंगे दोनों।
तो इतना मैं बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि हमें आगे किस तरीके से इसकी सिलाई करनी है, और फिर यहाँ पे हम पैटर्न बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ये दोनों तरफ के हिस्से बना लिए हैं, और ये देखिए पीछे मैंने यहाँ से लेके, ये देखिए ये जो धागा बंधा था, यहाँ से लेके दोनों तरफ ये हिस्सा बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ये वाले हिस्से अंदर की तरफ से ये देखिए यहाँ पे दोनों को सिल देना है। तो ये मैं सिल लूँगी, इसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से जोड़ लिया है, अब हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। बॉर्डर को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा यहाँ तक नीचे से लेंगे, फिर राउंड घुमा के हम वापस से दूसरी तरफ आना है हमें। तो बॉर्डर हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ से शुरू करूँगी। चैन थ्री बनाएंगे, 1, 2 और 3। यहाँ पे 2 डबल क्रोशी और बनाएंगे, 1, 1 और ये 2। देखिए हम ये जो हमारे आड़े स्टिचेस आ रहे हैं, हम इस वाले में अटैच नहीं करेंगे, इस वाले में अटैच करेंगे, इसको छोड़ेंगे, यहाँ अटैच करेंगे सिंगल स्टिच से। देखिए इस तरीके से, फिर हम यहाँ पे चैन थ्री बनाएंगे, यहाँ सिंगल स्टिच से अटैच कर दिया हमने। अब हम चैन टू बनाएंगे, एक चैन हमारा ये सिंगल स्टिच का हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे 3 बनाएंगे, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 और बनाएंगे, 1 और ये 2। देखिए ये पूरा स्टिच छोड़ेंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे सिंगल स्टिच से। इसी तरीके से हमें ये बॉर्डर बनाना है पूरा। तो लास्ट तक मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बॉर्डर पूरे में बना दिया है। मैंने यहाँ से शुरू किया था इस तरीके से, फिर नीचे पूरा राउंड करके, और फिर वापस मैंने यहाँ पे इस तरीके से गले पे आ गया, और यही बॉर्डर मैंने यहाँ मुड्डों पर बना दिया है। तो देखिए हमारी जैकेट तैयार हो गई है, और कितनी सुंदर भी है, बनाना बहुत ईजी था। और आप चाहें तो इसमें बटन लगा सकते हैं, चाहे तो डोरी डाल सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।